प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन के दौरान देश में जिस गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था, वैसी ही सतर्कता दिखाने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विस्तार की भी घोषणा की। पीएम मोदी की बड़ी बातें, अनलॉक 1.0 में लापरवाही बढ़ी है, लापरवाही बरतने वालों को समझाना होगा, गरीबों को 2.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया, 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ जमा किए, कोरोना संकट काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया, जरूरतमंदों को 3 महीने का राशन दिया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार होगा, नवंबर तक गरीबों को मुफ्त अनाज मिलेगा, हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पर 1.5 लाख करोड़ खर्च, एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू होगी, हर किसान हर करदाता का दिल से अभिनंदन नमन, देश को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम करेंगे, हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे, लोकल के लिए वोकल पर काम करेंगे, सभी से प्रार्थना है 2 गज की दूरी का पालन करें, गमछा फेस कवर मास्क जरूर लगाएं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। हम सारी एहतियात बरतते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। ये तो हमारी खास रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही आगे इसी तरह खास रिपोर्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।